सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो कि किस तरीके से हम फिनिश डिशवॉशर टैबलेट को डिशवॉशर में यूज करते हैं यूटेंसिल्स धोने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक पर। मेरे फेसबुक का लिंक ये रहा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, किस तरीके से हम फिनिश की टैबलेट्स को डिशवॉशर में यूज करते हैं, उससे पहले मैं आपको इसके यूजेस बताना चाहती हूँ एंड किस तरीके से पैकेजिंग में हमारी जो फिनिश की जो टैबलेट आती है वो किस तरीके से आती है। सो ये आप देख सकते हैं, ये फिनिश ब्रांड है एंड इस तरीके से आपको टैबलेट्स मिलेंगी एंड इस पैकेट में, इस फॉर्म में आपको टैबलेट्स मिलेंगी। बिल्कुल पैक्ड है ये टैबलेट और इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि डिटर्जेंट, सॉल्ट और लिक्विड का जो कंप्लीट मिक्सचर है वो इस टैबलेट में मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली 3-in-1 पावरफुल बॉल। बहुत ही इजी टू यूज है एंड हैसल फ्री तरीके से आप इसको डिशवॉशर में यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस टैबलेट को इंसर्ट करना है डिशवॉशर के अंदर एंड फिर आप अपने यूटेंसिल्स को बहुत ईजिली धो सकते हैं। अब आते हैं कि इस टैबलेट का क्या यूज है, किस तरीके से यूजफुल है डिशवॉशर में यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए। तो जितने भी जिद्दी दाग आप देखते हैं अपने प्लेट्स में, जैसे कोई दाग, अब जैसे प्लेट्स वगैरह होती हैं, दाग सूख जाते हैं, बहुत ग्रीसी होता है, बहुत ऑयली होता है। बेसिकली इंडियन फूड में बहुत ग्रीस एंड ऑयली होता है, दाग जो सूख जाते हैं, तो उसको तो ये टैबलेट बहुत अच्छी तरीके से उन दागों को सॉफ्ट करती है एंड फिर उसके बाद में बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करती है। क्लीन करने के बाद में इसके अंदर, जैसा आप ये ब्लू कलर की ऊपर इसकी लेयर देखते हैं, देख सकते हैं, इसमें जेल फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से पूरा क्लीन होने के बाद में जो यूटेंसिल्स की जो शाइनिंग है वो भी मेंटेन रहती है। सबसे पहले जो भी हार्ड, ग्रीसी, ऑयली खाना है उसको सॉफ्टन करती है, दूसरा अच्छी तरीके से डिश वॉशिंग करती है एंड तीसरा जो इसका जेल फॉर्मूला है वो हमारे यूटेंसिल्स की शाइनिंग को मेंटेन करता है। अब आइए देखते हैं इसको डिश वॉशर में किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से इसको डिश वॉशर में यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि डिश वॉशर है। सबसे पहले मैं डिश वॉशर को ओपन करूंगी। यहां पर मैंने डिश वॉशर को ओपन किया है एंड ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एक पैनल बना हुआ है। इस पैनल को मैं इस तरीके से ओपन करती हूँ। ये मेरे पास में फिनिश टैबलेट है, मैं इसको इस तरीके से अंदर रख दूंगी और इस लिड को मैं इस तरीके से बंद कर दूंगी। तो यहां पर मैंने इस लिड को इस तरीके से बंद कर दिया है। बस हमें फिर कुछ नहीं करना, हमें सिंपली फिर डिशवॉशर को इस तरीके से बंद करना है एंड जो भी आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं डिशवॉशर को, जैसे अपनी पुरानी वीडियो में मैंने बताया है कि हाउ टू यूज डिशवॉशर, तो आप उस तरीके से डिशवॉशर को ऑन करके एंड अपने आप ये उस पैनल में से निकल के पूरे जो यूटेंसिल्स को है वो इजिली डिशवॉश कर देगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीका है इसको डिशवॉशर में यूज करने का। सिर्फ आपको ये जो टैबलेट है, फिनिश की जो टैबलेट है, जो पैनल देके रखा हुआ है डिशवॉशर में, उसमें इंसर्ट करनी है, उसको क्लोज कर देना है एंड फिर उसके बाद में आपको फर्दर यूटेंसिल्स धोने का कमांड दे देना है डिशवॉशर का। अपने आप जो टैबलेट है पानी के साथ में मिलकर पानी को सॉफ्टन करेगी और साथ में जो हार्ड जमे हुए दाग होते हैं टी, कॉफी वगैरह के आपके यूटेंसिल्स में, उनको सॉफ्टन करके अच्छी तरीके से धोकर एंड साथ में आपके यूटेंसिल्स की शाइनिंग बरकरार रखती है। बहुत ही सिंपल तरीका है फिनिश की टैबलेट को डिशवॉशर में यूज करने का। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।